नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ भिन्नों का घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि ये जो आपके सामने जो घटाव है यानी कि सब्ट्रैक्शन, इसको हम बिल्कुल इजी वे में करने वाले हैं, अलग तरीके से करेंगे आज, ठीक है ना। तो आ जाइए, देखिए गाइस आपको करना क्या वो आराम से बता दूँ। नीचे देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो मैं यहाँ पर भी 10 बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बनाऊँगा तो मैं नीचे वाले को कितने से गुणा कराऊँगा, 2 से। अब नीचे वाले को 2 से तो ऊपर वाले को भी 2 से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए नीचे कितना बन चुका है, 10, दोनों में 10 10 सेम है ना। ऊपर यहाँ पर 9 × 2 = 18 है, ठीक है। ये माइनस का माइनस 7 है, 7 का 7, ठीक है। अब देखिए नीचे 10 का 10 एज इट इज लिख दीजिए, 18 में से 7 आ जाएगा, बचेगा कितना, 11। तो 11/10 आपका राइट आंसर। और इसे आप यदि आगे और चेंज करना चाहते हो तो 11 में 10 का भाग देना, यानी कि 1 से 1/10 आपका राइट आंसर वो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए गाइस, अब इस बार हम कम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 है, तो मैं 6 को भी 12 बनाऊँगा, तो नीचे तो मैं 12 लिख ही लूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो 15 का 15 एज इट इज आएगा, माइनस ये 6 है, इसको 12 का बनाने के लिए 2 से गुणा किया था ना, ऊपर वाले को भी 2 से, यानी 5 × 2 = 10, ठीक है भाई। देखिए 15 में से 10 घटेगा, ऊपर कितना बचेगा, 5, और नीचे है 12, यानी कि 5/12 आपका हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पर तो 24 है, और ये जो 6 है इसको मुझे 24 बनाना है, ठीक है। तो नीचे तो मैं 24 लिख ही लूँ, ये 7 का 7 एज इट इज आएगा, माइनस का माइनस। अब देखिए 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 4 से, यानी कि 4 × 1 = 4, ठीक है भाई। देखो 7 में से 4 = 3 और 2 में कितने हैं, 24। अब देखिए 3 और 24 दोनों ही 3 के पारे से कटते हैं, 3 खुद कटेगा 1 बार और 24 कटेगा 8 बार, ठीक है। तो 1/8 यहाँ से हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।